नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत् क्रीडति यतः। प्रसंग हम लोगों ने सुना, मनुष्य में ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों का थोड़ा या अधिक सन्निवेश होता है। देवी जी होते हैं उनकी बात है, आसुरी जीवों की बात तो इससे विपरीत होती है। जो देवी जीव है उनमें ज्ञान भी होता है, वैराग्य भी होता है और भक्ति भी होती है। अब कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में होता है यह बात अलग है, यह बात अलग है। तो ये तीनों ही बातें हैं बड़ी अच्छी हैं, ज्ञान भी अच्छा है, वैराग्य भी अच्छा है और भक्ति तो सर्वोत्तम है ही। तीनों ही जिस जीव में होंगी उसका कल्याण अवश्य होगा, इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है। इन सब उत्तम विचारों को प्राप्त करने का सौभाग्य तो हर एक को प्राप्त होता है, परंतु वह सौभाग्य सदा नहीं रहता, थोड़े समय के लिए होता है। थोड़े समय के लिए ज्ञान भी होता है मानव को, वैराग्य भी होता है और भक्ति का उदय भी होता है। ये उत्तम गुण है, इन गुणों का जीवन में जितना अधिक विकास मानव कर सकेगा उतनी अधिक मात्रा में वो अपने जीवन को सफल कर पाएगा। हरिराय जी ने शिक्षा पत्र में वैसे तो बहुत सी अनेक बातें हैं उत्तम से उत्तम हमको बताई हैं, जिनका यदि हम विचार पूर्वक मनन करें तो हमारा मार्ग बहुत कुछ सरल बन सकता है। परंतु हरिराय जी ने एक बात बड़े महत्व की हमको बतलाई, वह बात कौन सी है कि मनुष्य को अपने सद्विचार और सदाचार दोनों का गर्व नहीं करना चाहिए, हृदय में इनका अभिमान न हो कि मेरे में बड़ा ज्ञान है, बड़ा वैराग्य है, मेरे हृदय में भगवान में बड़ी भक्ति है। ये होना बड़ा अच्छा है, शुभ लक्षण है, किंतु इनको प्राप्त करके भी मनुष्य को सर्वदा सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। सावधान रहने की बड़ी आवश्यकता है। होता यह है कि मनुष्य कोई भी थोड़ा भी कोई अच्छा गुण अपने में देखता है पाता है तो एक प्रकार से
अपने को सौभाग्यशाली मानने लगता है और जिस प्रकार की सावधानी जीवन में होनी चाहिए उससे बेफिक्र हो जाता है। जो कुछ शास्त्र बतलाते हैं वह तो सब मेरे पास है, अब मुझको सावधानी की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार की भावना मनुष्य में सहज में आ जाती है। इसलिए श्री हरिराय जी ने यह अनेक स्थलों पर स्पष्ट करके समझाया है कि मनुष्य को सर्वदा सावधान रहना चाहिए। हम सत्पुरुष हैं, इसका प्रमाण हमारे पास क्या है? हमारे आचार अच्छे हैं, यह उसका प्रमाण। हमारे विचार अच्छे हैं, यह उसका प्रमाण। हो सकता है आचार भी अच्छे हों, विचार भी अच्छे हों, किंतु फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। कब कौन से क्षण में हमारे विचार विपरीत हो जाएंगे ये कोई नहीं कह सकता। कब काल जो है बड़ा विकराल है, काल की विकरालता का अनुभव थोड़ा बहुत हम सभी लोगों को है। उस विकराल काल के चंगुल में बुरे मनुष्य फंसते हों ऐसी बात नहीं, अच्छे मनुष्य भी फंस जाते हैं। इसीलिए श्री हरिराय जी ने हम सबको सावधान रहने की चेतावनी दी। आज हमारे विचार अच्छे हैं, हमारे आचार अच्छे हैं, किंतु कल भी इसी प्रकार के रहेंगे, इसका प्रमाण क्या है? किसी के पास प्रमाण? कल किस प्रकार का संग मिलेगा, कैसा वातावरण मिलेगा, कैसी हमारी परिस्थिति हो जाएगी, कह सकता है कोई? कोई नहीं कह सकता। इसलिए आपने एक बड़ी मार्के की बात हमको बतलाई है कि मनुष्य को, अच्छे मनुष्यों को भी, जो सद्विचार वाले हैं उनको भी भगवान की शरण की भावना अपने हृदय में सर्वदा बनाए रखना चाहिए। शरण की भावना हृदय में बनाए रखना चाहिए। ये मत समझो कि जो जिनके आचार विचार अच्छे नहीं है वे भगवान के शरण जाएं, हम तो अच्छे आचार विचार वाले हैं, हमको शरण जाने की क्या आवश्यकता है, हम तो स्वयं अपने अच्छे आचार विचार से अपना उद्धार कर लेंगे। इस प्रकार की असावधानी हमको नहीं रखनी चाहिए। कौन से क्षण में हमारे विचार बदल जाएंगे, गिर जाएंगे, कोई नहीं कर सकता। इसलिए शरण की भावना, प्रभु के शरण की भावना सर्वदा अपने हृदय में बनाए रखो। शरण की भावना हृदय में होगी तो भगवान हमको संभाल लेंगे। जहां गिरने का अवसर आएगा, गिरने का प्रसंग आएगा, वहां प्रभु हमको संभाल लेंगे, गिरने नहीं देंगे। क्योंकि आप जानेंगे कि इसके पास मेरे शरण की भावना है, अर्थात ये मेरी शरण में आया है। इसलिए शरणागत भक्त की रक्षा करना, उसको संभालना, ये मेरा कर्तव्य है। शरणागति के बाद पहले प्रसंग में आ चुकी थी,
भगवान ने अर्जुन को संदेश दिया कि माम एकम शरणम व्रजो, तू मेरी शरण आ जा। ये भगवान ने कहा, उसका आशय यही था, ज्ञान वैराग्य भक्ति ये सब बड़े अच्छे हैं, किंतु बिना शरणागति के, शरण की भावना के बिना ये हमको धोखा दे सकते हैं, हमको अधर में छोड़ सकते हैं। हम कितने भी ऊंचे चले गए हों, ठीक अच्छा है, किंतु कब हमारा आश्रय छूट जाएगा ये कोई नहीं कह सकता। हृदय में हमारे विचार आज अच्छे हैं और कल भी ऐसे ही बने रहेंगे, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। इसलिए शरणागति की भावना हर समय अपने हृदय में बनाए रखो। तुम्हारे अच्छे विचार हैं तो ये देख फेकर मत हो जाओ कि हमारे तो अच्छे विचार हैं, हमको शरण जाने की क्या जरूरत है। जिनके बुरे विचार होंगे शरण जाएं भगवान की, वे अपनी रक्षा की प्रार्थना करें, और जिनके आचार अच्छे हैं वे भी भगवान के शरण क्यों जाएं, उनके आचार ही उनके रक्षक हैं, वे उनको ऊंचा चढ़ाएंगे, वे ऊंचा ले जाने वाले आचार्य, फिर शरण जाने की क्या जरूरत है। इस प्रकार की भावना हृदय में कभी मत आने दो। जिनके विचार अच्छे नहीं हैं, आचार अच्छे नहीं हैं, उनको तो शरण की आवश्यकता है ही, किंतु जिनके आचार और विचार अच्छे हैं उनको भी शरण की अधिक आवश्यकता है। शरणागति की भावना के ऊपर श्री हरिराय जी बारंबार भार देकर हमको समझाते हैं, शरणागति की भावना हृदय में सर्वदा तुम बनाए रखो, भगवान ही मेरे रक्षक हैं, अच्छे आचार लाओ, प्रयत्न करो कि अच्छे आचार आवें, बहुत अच्छा है, किंतु अच्छे आचार ही मेरा सब कुछ सिद्ध कर देंगे, इस प्रकार की भावना नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार की भावना नहीं आनी चाहिए। अच्छे आचार बहुत अच्छी बात है, जहां तक बने अच्छे आचार रखो अपने, किंतु यही मेरा उद्धार कर देंगे, इस प्रकार की भावना मत रखो। मेरा उद्धार तो भगवान की शरणागति के द्वारा ही होने वाला है, किस प्रकार की भावना हृदय में बनाए रखो। ये श्री हरिराय जी का हमको एक संदेश है, और ये संदेश को हमें सामान्य उपदेश या संदेश के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु ये जीवन का एक अमूल्य मंत्र है, जीवन सिद्धि की एक कुंजी है, जीवन में सिद्धि प्राप्त करने की कुंजी है। इस प्रकार की भावना से इस मंत्र को ग्रहण करना चाहिए, शरणागति मंत्र को। जीवन की सिद्धि प्राप्त हर एक मनुष्य करना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि मेरा जीवन बेकार चला जाए, निष्फल चला जाए, सिद्धि प्राप्त न हो, कौन चाहता है। सभी सिद्धि चाहते हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, किंतु निर्भरता रखते हैं अपने ऊपर, अपने आचार के ऊपर, अपने विचार के ऊपर। तो अच्छे आचार विचार रखना बड़ी अच्छी बात है, प्रयत्न करो, रखो भी, किंतु उस पर निर्भरता मत रखो। ये मत समझो कि यही मेरा सब कुछ बना देंगे, मेरा कार्य सिद्ध करने वाला, मेरे कार्य को बनाने वाला तो भगवान का आश्रय है। इस प्रकार की भावना अपने हृदय में
जो व्यक्ति रखता है वह व्यक्ति जीवन में कभी असफलता का मुख नहीं देखता, उसके जीवन में असफलता कभी नहीं आती, सर्वदा सफलता ही सफलता उसके जीवन में आती रहती है। इसलिए ये शरणागति जो मंत्र है इसको सामान्य मंत्र या सामान्य उपदेश या शिक्षा समझकर हमें इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, किंतु बड़ी सावधानी से जीवन की सिद्धि का मूल मंत्र समझकर इसको हर समय अपने हृदय में अपने साथ रखना चाहिए। खाली याद रखने से काम नहीं चलेगा, शरणागति मंत्र तो याद है हमको, बेफिक्र हैं, ऐसा शरणागति मंत्र याद भी हो किंतु शरणागति न हो तो मंत्र किस काम का। शरणागति मंत्र तो हो, याद हो किंतु शरणागति न हो तो उसे क्या कार्य सिद्ध होगा, होगा तो नहीं होता। शरणागति मंत्र भी हो और शरणागति भी हो, दोनों की आवश्यकता है। शरणागति मंत्र तो हमारा आश्रय है ही, अवलंबन है ही, किंतु वह आश्रय भी बिना शरण की भावना के हमारा कार्य पूरा सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए भगवान की शरणागति की भावना हर समय हमें अपने हृदय में बनाए रखनी चाहिए। इसकी भावना जो है वही सब सिद्धियों का मूल है। जितनी भी विश्व की सिद्धियां हैं, लौकिक अलौकिक पारलौकिक जितनी भी सिद्धियां हैं, वे सभी प्राप्त करने का मूल कोई उपाय है तो वो शरणागति की भावना। इसलिए शरणागति की भावना नित्य अपने हृदय में बनाए रखें, और यह भावना भी केवल अपने प्रयत्न से ही हम बना लेंगे ऐसा विचार हृदय में नहीं आना चाहिए। ये शरणागति की भावना भी आचार्य चरण कृपा करके प्रदान करें। इस प्रकार की भावना हृदय में, शरणागति भावना भी नहीं जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, जानते हैं, उसके महात्म्य को समझते हैं, अनेक बार सुना भी है, पढ़ा भी है, कहा भी है, किंतु फिर भी हम इस बात को समय आने पर भूल जाते हैं। यह सत्य है, इसमें अतिशयोक्ति की कोई बात नहीं है, ठीक बात है, अनेक बार हम भूल जाते हैं और हमारे हृदय में अभिमान आ जाता है, हम विद्वान हैं, आचारवान हैं, शीलवान हैं, इसी प्रकार का अभिमान आ जाना बड़ा सहज है। इसलिए इस प्रकार की भावना हृदय में ना नहीं पावे, इसके लिए शरणागति की भावना हमारे हृदय में सर्वदा आचार्य चरण कृपा करके बनाए रखें, ऐसी प्रार्थना हमको आचार्यों से करनी चाहिए।